फिक्र हो रही थी कि आप कहीं गुम ही ना हो गए हो। यहाँ पे सारी गलियाँ एक जैसी हैं ना, किसी गलत गली में घुस गए तो बस। मामू, मैं बोली जा रही थी, आप सुन ही नहीं रहे। कहाँ गुम? कोई परेशानी तो नहीं है ना? बेटा, अभी मैं जब वापस आ रहा था तो मैंने जुनैद को गाड़ी में जाते हुए देखा। हाँ, वो वैसे तो रोज बाइक पे जाता है, आज ही गाड़ी लेके गया है, पता नहीं क्यों। वरना मैं सोच रही थी कि आपको सीबीयू घुमाने लेके जाऊं, मजा आता, बड़ी अच्छी गाड़ी चला लेती हूँ मैं। उसके साथ एक लड़की भी थी, वो कौन है? वो हाँ, वो हुसन आ रहा है, वो ही एक लड़की है यहाँ पे, उसकी खाला की बेटी है, बड़ी अच्छी दोस्ती है उनकी आपस में। मुझसे पहले जुनेद ने उसी के घर रिश्ता भिजवाया था। अच्छा। खैर, जुनैद ने तो मुझे नहीं देखा, उसका रुख लड़की की तरफ था। बेटा, अपने शौहर का ख्याल रखा करो, दिल से खिदमत करो उसकी, मोहब्बत दो उसे, बस इतना काफी होता है। अच्छा, तो आज हुसन आरा के साथ जाना था, इसलिए गाड़ी लेकर गए, शो मारने के लिए। लीजिए हुसन आरा जी, आ गया आपका दफ्तर। बातों बातों में रास्ते का पता ही नहीं चला। जब साथी अच्छा हो तो रास्ता सहल हो ही जाता है। बार बार जहमत देती हूँ ना मैं। किसी किसी की जहमत नहीं है, मेरे रास्ते में पड़ता है आपका दफ्तर। आप कहें तो मैं रोज आपको पिक भी कर सकता हूँ और वापसी पे भी ले जाऊंगा। नहीं, फाखरा जिद कर रही थी कि आज वो मुझे अपने साथ लेके जाएगी, वरना नाराज हो जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी दोस्त है वो आपकी, बहुत मुखलिस। वो है, तुम भी हो जुनेद।